इससे पहले वाले वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखी थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था और बोला भी था कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और होमवर्क के फॉर्म में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन दिए थे, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। मतलब ये एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट वन रहेगा और पार्ट टू में हम बच्चे के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर ले कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा था। हमने सीखा था कि दोनों इक्वेशन जो हमें दी गई है, जिनमें हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उनमें से किसी एक इक्वेशन को लेना है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो कि अदर वेरिएबल के फॉर्म में निकलेगी। अब उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उसे बची हुई इक्वेशन में पुट करना था और उसके थ्रू हमें अगले वेरिएबल की वैल्यू पता पड़ती, और इस तरीके से हम पुराना जो वेरिएबल हमने किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में निकाला था उसकी वैल्यू पता कर सकते थे। अगर इससे पहले वाला वीडियो तुमने अच्छे से देखा होगा तो मैंने क्या क्या बोला है अभी सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं तो सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल में खो गए होंगे कि बोला क्या जा रहा है। तो अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आती तो इससे पहले वाला वीडियो चेक कर लेना, और अगर देखा है या सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम लिखा है मेथड का, इसका मतलब और कोई मेथड लगा नहीं सकते। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट बीट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे इजी क्वेश्चन में से सबसे पहले तो हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। इसके बाद किसी भी एक इक्वेशन को लेना है जो तुमको इजी लगे, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ले रहा हूं इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकली उसे इक्वेशन थर्ड मानेंगे और पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x बची हुई इक्वेशन में जो हमने पहले नहीं ली थी। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट हमने नहीं ली थी, तो इक्वेशन फर्स्ट को लेते। तो इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई, x की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस वाई, इस कारण से x की जगह ये रखा प्लस y की जगह y और 14 की जगह 14। अब देखें मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो सिंपल प्लस या माइनस जो भी हो रहा वो कर सकते हैं। 4 कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट की तरफ भेज देते तो y और y जुड़ जाएगा 2y, 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 14 में से 4 माइनस किया तो 10 बचा, और 2 मल्टीप्लाई में y के साथ में तो 2 को इधर भेज देते डिवाइड में चला जाएगा तो y इक्वल टू 10 बाय 2 और इस हिसाब से y इक्वल टू हो जाएगा 5। इसे हाईलाइट कर लेते, फिर को फिर एग्जाम में भी तुम ये चीज करो तो ज्यादा अच्छा है। इससे जब हम आखिरी आंसर लिखेंगे या जब हमको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो बीच में से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमने कहां y की वैल्यू लिखी थी, इसकी वजह से ये अपने आप हाईलाइट होगा और कुछ मिली सेकंड की ही सही पर हेल्प हो जाएगी और अच्छा भी दिखेगा क्वेश्चन। और इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल टू 4 प्लस वाई और y की जगह है 5, तो 4 प्लस 5 होता है 9, तो x इक्वल टू हो गया 9। इसे भी हाईलाइट कर लिया और यहां पर हमारा फर्स्ट बिट फिनिश होता है और लास्ट लाइन में हम लिख लेंगे सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। सेकंड बिट को देखें तो सेकंड बिट में दी गए इक्वेशन दोनों को लिख लिया हमने। अब यहाँ पे इक्वेशन का नाम देने से पहले इस इक्वेशन को देखें, सोल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं पर यह हमको थोड़ा सा परेशानी देगा तो इसलिए इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हम इसमें ऐसा कुछ करें कि डिनोमिनेटर गायब हो जाए, और वो करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम दोनों में से कुछ भी कर ले, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 6 इक्वल टू 6। 2 का मल्टीप्लाई एस से, 3 का मल्टीप्लाई टी से, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। इसके बाद 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिवाइड में था तो यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और थोड़ा सॉल्व करें तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी ये वाली और सेकंड इक्वेशन है ये वाली। फर्स्ट इक्वेशन में निकालना थोड़ा इजी, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस माइनस टी इक्वल टू 3। अब एस की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 प्लस टी
माइनस का प्लस में चला गया अगर इक्वल कर इस साइड में गया तो, और इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। पुट वैल्यू ऑफ एज इन इक्वेशन, हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट से लिया था, इसका मतलब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, एज की जगह आ जाएगा 3 प्लस टी, और 2 के साथ एज मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने यहां पे ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3t इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई कर लेते 2 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t होता है 5t, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरफ भेज देते 36 से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस में था उधर जाएगा माइनस, तो 36 में से 6 गया तो 30, और 5 यहाँ टी के साथ मल्टीप्लाई में था इधर पे जाएंगे तो डिवाइड में, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 6। हाईलाइट कर लेते टी की वैल्यू का यूज करें, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस टी और टी की वैल्यू थी 6, इसका मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 9। इसे भी हाईलाइट कर लेते तो लास्ट में आंसर लिख लेंगे a इज इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। नेक्स्ट बिट को देखते, हमने बिट थर्ड और बिट फोर्थ दोनों को राइट डाउन कर लिया। बिट थर्ड को देखें, था 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। नॉर्मली अगर रेशियो वाली चीज को याद रखा होगा तो कुछ चीज समझ में आ गई होगी इसके अंदर, फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। पहली और दूसरी इक्वेशन को नाम वन और सेकंड दे दिया, अब इन दोनों में से मैं इक्वेशन फर्स्ट लेने वाला हूं, इसमें वाई अकेला है इसलिए, तो 3x - y = 3, माइनस वाई को जो भेज दो 3 को इधर ला रहा हूं तो 3x, यहां प्लस का 3 था कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 3 और माइनस का वाई उधर आएगा तो प्लस का वाई, और इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। पुट वैल्यू ऑफ, यहां पे हमने निकाली है वैल्यू वाई की इन इक्वेशन, हमने इक्वेशन फर्स्ट ली थी मतलब सेकंड रखेंगे, तो इक्वेशन सेकंड थी 9x - 3, वाई की वैल्यू हमारे पास 3x - 3 = 9। सोल्व करना है 9x - 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x में, तो 3 3 9, माइनस का माइनस एक्स का एक्स, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 3 3 9 = 9। अब 9x में से 9x माइनस हो जाएगा तो यहां पे बचेगा 0, और 0 + 9 मतलब 9 = 9, तो दोनों तरफ बराबर तो आ गया, बट कोई वेरिएबल ही नहीं है, और कोई वेरिएबल नहीं है इसका मतलब हम सोल्यूशन पता ही नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और वापस से जो पहले कहा था, अगर इनके रेशो को देखोगे तो तुम्हें यह बात आराम से समझ में आ रही होगी कि इनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और अगर ढंग से चेक करें तो 3/9 मतलब 1/3, -1 - -3 = 1/3, और 3/9 मतलब 1/3, तीनों बराबर है, ये होता है इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन के लिए, इसका मतलब इसके इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन से मतलब इससे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लीनियर इक्वेशन हैज इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। अब फोर्थ वाले बिट पे पढ़े तो अगर इनको ढंग से देखोगे तो तुमको पता पड़ेगा, मतलब नॉर्मल बात तो पता पड़ रही है कि हाँ ये सारे नंबर पॉइंट में, पर एक बात जो पता पड़ेगी कि पॉइंट के बाद हर एक में केवल एक ही डिजिट है, इसका मतलब हर जगह हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में करूं तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13, लिख सकते हैं यहां पे मल्टीप्लाई में 10, और यहां पे भी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x + 5y = 23, और यहां पे भी सेम बात। अब इस वाली क्वेश्चन को हम फर्स्ट मान दें और इस वाली क्वेश्चन को हम सेकंड मान दें, अब इन दोनों में से इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 13, दोनों इक्वेशन में से कोई से भी लेते बात बराबर पड़ती है, और कोई से भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो बात बराबर पड़ती है, इस कारण से x की निकाल रहा मतलब ऑर्थोडॉक्स तरीके से, प्लस का 3y इधर जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा,
अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, जैसे इससे पहले हम हर बार मानते आ रहे, और इसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने इक्वेशन नहीं ली है मतलब फर्स्ट ली है तो सेकंड वाले में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड थी 4 x की जगह जाएगा 13 - 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। जैसा कि पहले बताया था मल्टीप्लाई से पहले ये देख लो कि चीजें डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दो, हमें काम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 × 2 2 × 4, अब 2 का मल्टीप्लाई करना दोनों में, तो 2 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3y से तो माइनस का 2 × 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ये दोनों सोल्व हो रहे, इसका मतलब कॉन्स्टेंट को उधर भेज देते तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6y में से 5y माइनस करा तो बचा 1y, और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का y इक्वल टू 23, और 26 यहाँ पे किसी भी साइन का नहीं था, इसका मतलब प्लस साइन का था उधर जाएगा तो माइनस का 26। तो हमारे पास आंसर आया माइनस वाई इक्वल टू 23, मतलब 26 माइनस किया तो 3 आता है, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का 3, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते तो आंसर हो जाएगा वाई इक्वल टू 3। आंसर को हाईलाइट कर दिया और वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड थी एक्स इक्वल टू 13 - 3, वाई की वैल्यू थी 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 13, पहले मल्टीप्लाई होता तो 3 × 3 = 9, तो माइनस में 9 डिवाइड बाय 2, अब 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 डिवाइड बाय 2, अब 4 में 2 का डिवाइड दोगे तो आंसर आता है 2, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ रही है 2, इसे भी हाईलाइट कर लेंगे और लास्ट में लिख देंगे। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3। अब लास्ट दो क्वेश्चन क्यों पढ़ते, तो नेक्स्ट और इस वीडियो के लिए लास्ट दो क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख लिए, इसे सोल्व करते। सबसे पहले बिट नंबर 5 से हमें दो इक्वेशन दी थी, √x + √3y = 0 जिसे इक्वेशन फर्स्ट को नाम दिया, √3x - √8y = 0 जिसे इक्वेशन सेकंड का नाम दिया। अब इन दोनों में से कोई से भी इक्वेशन ले सकते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड ले रहा हूं, तो √3x - √8y = 0 x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो √3x = माइनस का जाएगा तो प्लस में जाएगा √8y। अब रूट हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वेयर नहीं कर सकते, नहीं तो वेरिएबल x² और y² हो जाएंगे और जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करते साधा मल्टीप्लाई में √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो √8y डिवाइड बाय √3। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 नाम दिया और x की वैल्यू को पुट किया हमने इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट थी √2x की वैल्यू है होल √8/3 साथ में y प्लस में है √3y = 0। थोड़ा और सॉल्व करें तो √2 और √3 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे तो √2 और √8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होल √2 × 8 और 2 × 8 जो होता है 16, तो ये हो जाएगा होल √16 होल अपॉन में √3 तो है ही, और मल्टीप्लाई में y भी है प्लस √3y = 0। वापस से डिनोमिनेटर को देख लेते तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हो, तो √16 तो होता है 4 का स्क्वायर, इसका आंसर यहां पे हो जाएगा 4y प्लस √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √9, क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है, और √9 किसका स्क्वायर रूट है तो होता है 3 का, तो आंसर हो जाएगा 3y = 0, और 4y और 3y होता है 7y = 0। अब 7 को 0 के डिवाइड में भेजेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के डिवाइड में कोई सा भी नंबर रखेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है, हाईलाइट कर लेंगे इस बात को। अब पुट वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल टू रूट एट वाई अपॉन रूट थ्री, इसके अंदर वैल्यू पुट करें x इक्वल टू रूट एट y, y की वैल्यू यहाँ पे है जीरो होल अपॉन रूट थ्री, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करेंगे तो इनसे जीरो आता है, इसका आंसर x इक्वल टू जीरो, तो लास्ट टाइम हो जाएगी। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। लास्ट वाले बीट करते हैं, यहाँ पे बीट सेकंड जैसे डिवाइड में भी नंबर्स दे लगे, मतलब डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले तो इसे खत्म कर देते, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो 3x का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, माइनस 5 का 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10y, और ये दोनों 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपस में हो जाएगा आंसर 6 इक्वल टू में माइनस 2, 6 से यहां डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 12, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2x, 3 का y से करेंगे तो 3y, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 6 इक्वल टू 13/6। अब 6 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे क्योंकि यहां डिवाइड में था, वो भी होल डिवाइड में, इसलिए मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर अकेला 13 बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 6 से 6 कट जाएगा और ये हो जाएगी क्वेश्चन सेकंड। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन फर्स्ट ही ले लेते, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, तो 9x की वैल्यू जाएगी माइनस का 10y जाएगा प्लस का 10y, और माइनस का 12 है यहाँ पे, अब 9 को डिवाइड में भेज देते तो x इक्वल टू जाएगा 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9, और ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड का नाम दे देंगे। अब जैसा पहले लिखते थे जो वैल्यू मिली, मतलब वैल्यू ऑफ x, इसको पुट करेंगे जो इक्वेशन हमने यूज नहीं करी है, हमने यूज करी थी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड यूज नहीं करी है, इसके अंदर क्वेश्चन सेकंड थी 2x की जगह वैल्यू 10y माइनस 12 अपॉन 9 और ये मल्टीप्लाई में, इसका आंसर हमने ब्रैकेट का यूज किया है, प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 2 और 9 आपस में डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एलसीएम का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों चीज एक ही लाइन में रखे, देखें ध्यान से देखना, 2 10 20 y, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो माइनस में 24, अब 9 यहां डिवाइड में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो वो होल डिवाइड 9 हो जाएगा, अब 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27 y मल्टीप्लाई में था इक्वल टू 13। अब इसे सोल्व कर लेते, ये दोनों y वाले तो 20y और 27y टोटल मिलाकर होता है 47y, माइनस में 24 है, डिवाइड में नहीं है, वो भी होल डिवाइड में, इसलिए वहां मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो हो जाएगा 13 × 9 माइनस का 24 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की तरफ भेज देंगे तो यहां हो जाएगा 47y इक्वल टू 13 × 9 = 117 और माइनस का 24 इस साइड में प्लस का 24 हो जाएगा 117 और 24 टोटल मिला के होते हैं 141, और यहां पे 47 मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 47 और ये हो जाएगी वाई की वैल्यू 47 थ्री जाकर देखोगे तो 141 आता है आंसर, तो 47 × 47 = 147 अब 47 का टेबल तो नहीं आता था पर पीछे 7 था तो उसी से थोड़ा सा एज्यूम कर लिया कि 3 टाइम्स में आंसर आ सकता है और आगे का 4 का ध्यान भी रख लिया। अब वाई की वैल्यू मिल गई है तो इसे इक्वेशन थर्ड में रख लेते, इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास x इक्वल टू 10y − 12/9, तो x इक्वल टू 10, y की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 12 डिवाइड बाई 9, 10 3 होता 30
माइनस का 12 डिवाइड बाय 9, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18 डिवाइड बाय 9, और 18 में 9 करके कट देंगे तो आंसर आएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, हाईलाइट कर लेंगे और लास्ट लाइन हो जाएगी, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप समझ में आया होगा और आई होप तुमने पहले से क्वेश्चन कर रखे होंगे, और नहीं कर रखे होंगे तो इस बार एक बार सीखने के बाद उसे जरूर कर लेना, और कॉन्फिडेंस मत होना कि सारी चीजें आती है। एक जब तक हम नॉर्मली क्वेश्चन को करके नहीं देखते तब तक हमें पता नहीं पड़ता कि हम किस चीज में मिस्टेक करने वाले, इसलिए करके जरूर देखना। ये जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार करा जाए, पर यह जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को एक बार तो करा जाए, और स्पेशल बात यह है कि अभी हमारे पास टाइम है इस कारण से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ मिलते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने रखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, और एक बार अच्छे से ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।